जिसके बाद मैंने बताया था सिंसियर, जिसके बाद मैंने बताया था सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस यानी सेवा, जागरूक और ये त्याग। सी से मैंने बताया था कर्सी और करेज, सी ओ यू आर टी एस वाई, कर्सी मैंने विनम्र और करेज सी ओ यू आर ए जी, करेज करेज मतलब साहस, करेज मतलब साहस। इसके बाद हमने बताया था ओ से ओबीडियंट, ओ बी डी आई ई एन टी, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। और ओ से ऑर्गेनाइज, ओ आर जी ए एन आई एस ई, ऑर्गेनाइज मतलब हो गया संगठन, किसी को संगठित करना, ठीक है। तो ये इसके बाद हमने बताया यूनिटी, एकता आपने बनाया, लेकिन आप उपयोगी काम कीजिए, समाज के बेहतरी के लिए काम कीजिए, देश के बेहतरी के लिए काम कीजिए, अपने लिए भी बढ़िया काम कीजिए, अपने घर के लिए भी बढ़िया काम कीजिए, लेकिन यूनिटी फॉर यूजफुल वर्क, पिटाई के लिए, मारपीट करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए नहीं करना है। गाली गलौज करने के लिए आपको यूनिटी नहीं बनाना है। तो निश्चित रूप से जब आप सेवा देना चाहते हैं तो आपने देखा कि हम जागरूक हो गए, हमने त्याग किया, हमें विनम्रता है, हमें साहस है, हम आज्ञाकारी हैं और हम किसी चीज को संगठित करने में सक्षम हो चुके हैं। हमने यूनिटी बनाया है किसके लिए, उपयोगी काम करने के लिए। और टी स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड फैक्ट, टी आर यू टी एच, ट्रूथ मतलब होता है सच्चा और फैक्ट मतलब होता है तरीका। काम तो सच्चा करेंगे लेकिन उसको तरीके से करना है। सेवा देने के लिए हमें जागरूक रहना है, हमें त्याग करना है, हमें विनम्रता होनी चाहिए, हमें साहस होनी चाहिए, हम ओबीडियंट हैं, हम किसी चीज को संगठित करने में सक्षम हैं, हमें यूनिटी बनाया है उपयोगी काम करने के लिए। काम तो हम सच्चा करेंगे लेकिन उसे तरीके से करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ रहे हैं इस बात को कि स्काउट एक शब्द है 5 अल्फाबेट का, ये पूरा कहानी ही कर देता है स्काउटिंग में आपको करना क्या है। और इतने सारे गुण अगर किसी व्यक्ति में हो जाएंगे तो आने वाले समय में उस व्यक्ति को किसी का हाथ पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं एक एसोसिएशन हो जाएगा। अगर इतना सारा गुण आ गया तो स्वयं एक संस्था हो जाएगा और हम वैसे व्यक्ति से, वैसे बच्चों से मिलने के लिए लड़ाई करेंगे जो सर्वगुण संपन्न है, उसमें सारा गुण ही गुण है, कोई दूसरी कोई कमजोरी वाली बात ही नहीं। इसलिए स्काउटिंग यही चीज है कि हम सेवा देना है, निशुल्क सेवा कार्य करना है, जग के करना है, साहस से करना है, विनम्रता के साथ करना है और हमें अपने आप में जो है साहस की भावना से करना है। हम आज्ञाकारी हैं, हम किसी चीज को संगठित कर लेंगे। एकता बनाया उपयोगी काम करने के लिए, काम सच्चा कर रहे हैं उसको तरीके से हम करना चाहते हैं, ये सारी बातें इसमें है। इसके बाद जो शब्द इसके साथ जुड़ता है गाइड, गाइड भी अपने आप में जो है बहुत उपयोगी है। गाइड किसको कहा जाता है, लड़कियों को, है ना। तो गाइड के बारे में उसमें भी 5 अल्फाबेट है, जी यू आई डी। जी कहता है जेंटल, जी ई एन टी एल ई, जेंटिल मतलब ने, उदार जिसको कहते हैं, एक अच्छा विचार व्यवहार का, एक अच्छा सोच वाला व्यक्ति जिसका भावना उदार है, जिसकी सोच नेक है। यू कहता है यूनिटी, यू एन आई टी वाई यूनिटी, एंड यूटिलिटी, यू टी आई एल आई टी वाई, यानी आपने एकता बनाया लेकिन उपयोगिता देख करके ही आपको एकता का उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि कहीं पर आप भिड़ गए, कहीं किसी की पिटाई कर दी, कहीं किसी को गाली दे दिया, कहीं किसी का सामान छोड़ दिया, ऐसा नहीं। एकता आपने बनाया, उपयोगिता को देखते हुए आपको काम करना है। आई आई कहता है इंटेलिजेंट,
INTELLIGENT, इंटेलिजेंट मतलब तेज दिमाग, हमारा दिमाग जो है हर वक्त तेज होना चाहिए, इंटेलिजेंट तेज दिमाग का होना चाहिए कि हमारी सोच, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा काम करने का तरीका, वो जो है एकदम लगे कि हमने उसको बहुत ही जल्दी संपादित किया। और डी कहता है, डी कहता है ड्यूटीफुल, यानी आपको कर्तव्यनिष्ठ होना होगा, काम को काम समझना पड़ेगा, ड्यूटीफुल। मोबाइल को ई कर लीजिए आप लोग, कर्तव्यनिष्ठ। और ई कहता है एजुकेशन, और इनर्जी, ई एन ई आर जी वाई, इनर्जी, एजुकेशन मतलब शिक्षा और शक्ति। कहने का मतलब गाइड को नेक होना है, गाइड जो है एक उपयोगी का उपयोगिता के अनुसार जो है अपना यूनिटी का उपयोग करता है, तेज दिमाग का होता है।